हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल पाव भाजी। वो भी घर में रखे हुए कुछ सब्जियों से हम इसको तैयार करेंगे। आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो बाहर में मार्केट में जाके पाव भाजी खाना भूल ही जाएंगे। और इसका स्वाद इतना टेस्टी और इतना यम्मी रहेगा, और इसमें सभी प्रकार की सब्जियां रहेंगी, तो बच्चों को आप बहुत आराम से खिला सकते हैं। आप सभी का स्वागत है सीजी किचन विद झरना में। तो सबसे पहले मैं गैस में कुकर को चढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं एक चम्मच ऑयल डालूंगी, कुकिंग ऑयल। उसमें आधा चम्मच हम पाव भाजी मसाला डालेंगे। फिर मैं इसमें डाली हूँ 1 कटोरी आलू, 1 कटोरी गाजर और 2 कटोरी पत्ता गोभी। सभी को छोटे छोटे टुकड़े में काट के हम डाले हैं। अब यहाँ पे डालूंगी 1 कटोरी मटर। तो मटर डालने के बाद में मैं सभी को अच्छे से मिला देती हूँ, और बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्पेशल बनने वाला है। तो और कुकर में ना बहुत आसानी से ये भाजी तैयार हो जाती है, तो हम कुकर में ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे कटोरी भर के 1 कटोरी डाल रही हूँ टमाटर। सभी को मैं 1 कटोरी में नाप रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम 2 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। सब्जियां मैं थोड़ी ज्यादा ली हूँ, सभी सब्जियों को 1-1 कटोरी नापी हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद सभी को अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसको बंद कर लेती हूँ। अब मैं 5 से 6 सीटी लगा लूंगी। तो अब कुकर को मैं ठंडा होने रख दी हूँ। तो यहाँ पे मैं गैस में कढ़ाई चढ़ाई हूँ, और 1 चम्मच के लगभग मैं कुकिंग ऑयल डाली हूँ। अब हम डालेंगे 2 चम्मच बटर। क्या है, डायरेक्ट बटर डालने से ना जल्दी से बटर जलने लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं पहले तेल डाल ली हूँ, उसके बाद 2 चम्मच बटर डाले हैं। अब 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जीरा। जीरा को थोड़ा सा हम तड़कने देंगे। 1 हरी मिर्ची और 2 बारीक कटा हुआ प्याज। अब सभी को अच्छे से हम मिला देते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मेथी जरूर डालिएगा। अब यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डाल रहे हैं। लहसुन और अदरक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। देखिए गोल्डन कलर हो गया प्याज। अब जो हम भाजी पका के रखे हैं ना, जो वेजिटेबल अपन उबाल के रखे हैं, उसको पहले मैं मेस कर ली हूँ, अच्छे से मिला ली हूँ, उसके बाद कढ़ाही में डाल रहे हैं। देखिए पूरी 1-1 सब्जी कितना सुंदर सा कलर दिख रहा है। इसमें हम कोई भी कलर अभी ऐड नहीं किए हैं, और फूड कलर तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, एकदम नेचुरल कलर से अपन बनाएंगे। थोड़ा सा मैं गर्म पानी ऐड की हूँ 1 कटोरी के लगभग। अब सभी को मिला देते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे मसाला। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालने के बाद हम मिला देते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। देखिए इसका लुक, इसका कलर कितना यम्मी दिख रहा है। कोई भी हम कलर इसमें ऐड नहीं किए हैं। अब 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा। और यहाँ पे मैं 1 नींबू डाल रही हूँ। नींबू का रस डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है नींबू का रस डालना। सभी को मिला देंगे। अब यहाँ पे लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती अच्छी थोड़ी सी ज़्यादा ही डालेंगे। अब धनिया पत्ती डालने के बाद हम सभी को मिला देते हैं। और ये देखिए हमारी पाव भाजी एकदम रेडी हो गई है, पाव की भाजी रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बटर। तो बटर को लास्ट में डालने के बाद सभी को मिला देंगे। अब यहाँ पे मैं गैस को ऑफ करती हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 लोहे का तवा चढ़ा दी हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच के लगभग। तो बटर को हम अच्छे से मिला देंगे, पूरे तवे में फैला देंगे। एकदम ना जो बाहर ठेलों पे मिलता है, जो मार्केट में बाहर में मिलता है ना, बस उसी तरीके से मैं बता रही हूँ। आपको बहुत पसंद आएगा और टेस्ट में तो बहुत यम्मी रहेगा। थोड़ा सा हम भाजी तैयार किए हैं ना, उसको हम डाल देंगे इसमें। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा।
ये देखिए हम सभी को अच्छे से चला दिए हैं। अब यहाँ पे मैं छोटा छोटा ना पाव आता है ना, ये देखिए बड़े साइज का भी आता है और छोटे साइज का, तो यहाँ पे मैं छोटे साइज का पाव यूज कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप ट्राई नहीं किए हैं तो छोटे वाले पाव को बना के जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी रहता है ये। अब ये देखिए सभी को मिला दिए हैं और ये अच्छे से सीख भी गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। हमारी पाव भाजी बनके एकदम तैयार हो गई है और देखिए बस हम घर में रखी हुई सब्जियों से इसको तैयार किए हैं और इसमें कोई भी हम फूड कलर ऐड नहीं किए हैं, ये सब्जियों का नेचुरल कलर है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्याज निकाल देती हूँ और दो हरी मिर्च। तो हरी मिर्च और प्याज देते हैं पाव भाजी के साथ में, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हम धनिया पत्ती और ऐड कर देते हैं ऊपर से। अब यहाँ पे हम पाव को और निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पाव भाजी एकदम तैयार हो गई है। एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और टेस्ट में आप एक बार घर में बना के खाएंगे तो आप बाहर खाना भूल ही जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। थोड़ा सा बटर डाल दी हूँ। अब जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और यूँ ही बने रहिए। थैंक यू।